नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अभी कोविड की संक्रामक महामारी का असर और कहर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है और अब सामना डेंगू व चिकनगुनिया जैसी महामारी से हो रहा है। इस समय तक अमरावती जिले में 340 डेंगू तथा 40 चिकनगुनिया के संदिग्ध मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से अकेले अमरावती महानगरपालिका क्षेत्र में डेंगू के 90 और चिकनगुनिया के 17 संदिग्ध मरीज हैं। वहीं यवतमाल स्थित लैब से रक्त जल सैंपलों की जाँच के बाद मिली रिपोर्ट के मुताबिक जिले में डेंगू के 45 व चिकनगुनिया के 4 पॉजिटिव रहने की बात सामने आई है। ऐसे में हालात को काफी विकट कहा जा सकता है। अमरावती जिले में फैल रहे डेंगू व को लेकर राज्य सरकार भी बेहद गंभीर है और हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। वहीं दूसरी ओर बारिश का मौसम शुरू होते ही जगह जगह होने वाले जल जमाव और गंदगी के ढेर में रिसने वाले पानी की वजह से मच्छरों का प्रादुर्भाव बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिनसे कई संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं और लोग बाग उन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। जिला मलेरिया विभाग व संक्रामक रोग विभाग द्वारा डेंगू व चिकनगुनिया सदृश लक्षण रहने वाले मरीजों के रक्त जल सैंपल लेकर उन्हें जाँच के लिए यवतमाल के सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थित लैब में भिजवाया जा रहा है। कहा जा सकता है कि यदि समय रहते बीमारी का प्रसार रोकने हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते तो कोविड महामारी की तरह डेंगू व चिकनगुनिया की संक्रामक बीमारियां भी अमरावती जिले में जबरदस्त कहर ढा सकती हैं, जिसका परिणाम बेहद भयावह हो सकता है। दो दिन पूर्व मंडल न्यूज द्वारा बड़ी प्रमुखता के साथ खबर प्रसारित करते हुए अमरावती शहर के हर गली मोहल्ले में व्याप्त कचरे व गंदगी की समस्या को पूरी प्रखरता के साथ उजागर किया गया था, जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि और मनपा प्रशासन अचानक ही हड़बड़ाकर नींद से जागे और स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने आनन फानन में मनपा अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई। मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े के दालान में बुलाई गई इस बैठक में स्वास्थ्य व स्वच्छता विभाग के सभी अधिकारियों व सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारी तलब किए गए थे, जिनमें विधायक सुलभा खोड़के ने शहर में व्याप्त गंदगी के लिए पूरी तरह से महानगर पालिका प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि 15 दिन के भीतर यह समस्या हल नहीं होती है तो इसे लेकर मंत्रालय स्तर पर भी बैठक बुलाई जाएगी। मनपा मुख्यालय में आयोजित इस बैठक के तुरंत बाद विधायक सुलभा खोड़के तथा उनके पति राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के द्वारा एक पत्रकार परिषद को भी संबोधित किया गया, जिसमें इस बैठक का ब्यौरा दिया गया। इस पत्रवार्ता में बताया गया कि अमरावती शहर को स्वस्थ, सुंदर व स्वच्छ रखने के लिए डेंगू मच्छरों के नियंत्रण, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार तथा साफ सफाई संबंधी कामों को लेकर विचार विमर्श किया गया है। इस समय पूछे गए सवालों के जवाब में विधायक सुलभा खोड़के ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इन दिनों मनपा के वरिष्ठ अधिकारी केवल अपने कैबिन में बैठकर कुर्सियां तोड़ रहे हैं और उनका जमीनी स्तर पर होने वाले काम की ओर कोई ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से साफ सफाई संबंधी कामों का जिम्मा रखने वाले ठेकेदार काफी मुजोर और मगरूर हो गए हैं, जिसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि मनपा की पहली जिम्मेदारी शहर में साफ सफाई व्यवस्था रखने की ही है और इसी काम पर सर्वाधिक खर्च किया जाता है। विधायक सुलभा खोड़के के मुताबिक साफ सफाई संबंधी कामों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाती और इस काम पर पूरा पैसा भी खर्च किया जाता है। ऐसे में साफ सफाई से संबंधित कामों को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। महापौर चेतन गावंडे ने आज प्रशांत नगर बगीचा सहित राजापेट के रेलवे अंडरपास रास्ते का अवलोकन किया और उन्होंने प्रशांत नगर उद्यान का निरीक्षण करने के बाद यहां के रखरखाव के संदर्भ में मनपा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही राजापेट रेलवे अंडरपास के जो भी काम बचे हुए हैं उन्हें पूरा करने के लिए भी आवश्यक निर्देश देते हुए काम पूरा करने की रिपोर्ट पेश करने हेतु संबंधित अभियंता से कहा। विगत मार्च 2020 से चहुं ओर कोविड की संक्रामक महामारी का कहर जारी है, जिसकी वजह से डेढ़ वर्ष से सभी स्कूल व कॉलेज पूरी तरह से बंद हैं। जारी शैक्षणिक सत्र में भी समय पर स्कूल व कॉलेज नहीं खोले जा सके हैं। ऐसे में सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र के दौरान तय समय में पूरा करना संभव नहीं होगा। इस बात के मद्देनजर राज्य के शालेय शिक्षा व क्रीडा विभाग द्वारा गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी कक्षा पहली से बारहवीं के पाठ्यक्रम में 25% कटौती करने का निर्णय लिया गया है और इस निर्णय को राज्य सरकार द्वारा अपनी मान्यता प्रदान की गई है।
विगत दो दिनों से अमरावती, अकोला और यवतमाल जिले में हुई मूसलाधार बारिश के चलते काफी भारी नुकसान हुआ है। खासकर अकोला व यवतमाल जिले में इस बारिश की वजह से भारी तबाही की खबरें मिली हैं। अकोला जिले के काटेपूर्णा नदी में कल आई बाढ़ के कारण नदी किनारे रहने वाले गांवों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं यवतमाल के पुसद तहसील में स्थित पूछ जलाशय 98% भर चुका है। ऐसे में पूछ नदी के किनारे रहने वालों को प्रशासन द्वारा अलर्ट किया गया है। इसके अलावा अमरावती जिले में भातकुली, चिखलदरा व अंजनगांव सुरजी तहसील में काफी मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से अंजनगांव सुरजी के 15 गांव बाधित हुए और 5 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के साथ ही 33 घरों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। वहीं भातकुली तहसील के 17 गांव प्रभावित हुए और 88 हेक्टेयर खेत जमीन पानी में जाने से फसलें नष्ट हुई। यवतमाल जिले में 780 हेक्टेयर खेतों का नुकसान हुआ है और 40 घर बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा अकोला जिले के सर्वोपचार अस्पताल के अति दक्षता विभाग में कल बारिश का पानी भर गया और सरकारी अस्पताल के अन्य कुछ वार्ड भी पानी में थे। बुधवार दल के 5 बजे से अमरावती जिले में शुरू हुई मूसलाधार बारिश कल शाम थम गई और अब जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी जारी है। इस दौरान शाहनूर जलाशय के 4 दरवाजों को 5 सेंटीमीटर खोलकर जल विसर्ग करना शुरू किया गया है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। बारिश की वजह से चिखलदरा तहसील में एक झोपड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और 7 घरों को नुकसान हुआ है। साथ ही साथ करीब 96 हेक्टेयर खेत जमीन बह गई और करीब 10 हेक्टेयर खेतों पर 33% से अधिक फसलों का नुकसान हुआ है। जिले की चांदूरबाजार तहसील अंतर्गत पूर्णा प्रकल्प के 9 दरवाजों से इस समय जल विसर्ग शुरू किया गया है और प्रति सेकंड 63 क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही पूर्णा नदी के किनारे स्थित सभी गांव वासियों को अलर्ट भी किया गया है। जिले में विगत 2 दिनों से हुई अतिवृष्टि के चलते घरों एवं खेतीबाड़ी का काफी नुकसान हुआ है, जिसके मद्देनजर जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि नुकसान प्रभावितों को तुरंत से तुरंत नुकसान भरपाई मुआवजा दिलवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपदाग्रस्तों को यथासंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पालक मंत्री ठाकुर ने कल खारतले गाँव, रामा, साउर, टाकरखेड़ा, शंभू आदि अतिवृष्टिग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना भी किया। विगत 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश की वजह से अब सभी लोगों की निगाहें जिले के सबसे बड़े अपरवर्धा बांध की ओर लगी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि अपरवर्धा बांध से भी जल्द ही जल निकासी करनी शुरू की जाएगी। लेकिन इस समय तक अपरवर्धा बांध केवल 50% ही भरा हुआ है और जब तक मध्य प्रदेश में स्थित बांध के जल संग्रहण क्षेत्र में अच्छी खासी बारिश नहीं होती, तब तक इस बांध क्षेत्र में पानी की आवक और यहाँ पर पानी का जल स्तर नहीं बढ़ते। ऐसे में जिले के अन्य क्षेत्रों में हो रही बारिश का अपरवर्धा बांध पर कोई असर नहीं पड़ा है और फिलहाल तक यह बांध आधा खाली ही है। वर्धा जिले की आरवी तहसील के निम्न वर्धा प्रकल्प में भी इस समय करीब 71% पानी भर चुका है, जिसकी वजह से उसके 3 दरवाजे 5 सेंटीमीटर तक खोलने का निर्णय लिया गया है। इसी बीच समुद्रपुर के निकट लाहौरी मार्ग पर स्थित वाघाड़ी नाले में आई बाढ़ के चलते अपने खेत में काम के लिए गई रंभाबाई मेश्राम नामक महिला बाढ़ के पानी में बह गई। साथ ही साथ तास नामक गांव का किसान संतोष पंडित शंभरकर भी गांव से लगकर रहने वाले नाले में आई बाढ़ में बैलगाड़ी के साथ बह गया। एक ही तहसील के 2 व्यक्ति बाढ़ में बह जाने से तहसील प्रशासन में काफी भागदौड़ी मच गई है। महिला आर्थिक विकास महामंडल की ओर से शिवाजी कृषि महाविद्यालय के कृषक भवन में रोजगार निर्मिति योजना अंतर्गत विभिन्न उपक्रमों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों महिला स्वयं सहायता बचत गुटों को सब्जी बिक्री हेतु ई कार्ड रिक्शा व महिला बचत गुटों को कर्ज वितरण किया गया। इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने इस उपक्रम को महिलाओं की आर्थिक साक्षरता व सक्षमता के लिए बेहद जरूरी बताया। साथ ही पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों कोविड संक्रमण काल के दौरान बेहतरीन कार्य करने वाली आशा सेविकाओं का सत्कार भी किया गया। ई-रिक्शा, ट्रैक्टर, बचत कटर, मास्क, सैनिटाइजर, लोणचे, पापड़, मसाले आणि बाकी सगळ्या देखील गोष्टी आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये करतोय। आता नव तेजस्वीमध्ये अमरावती जिल्हा नंबर 1 राहिला पाहिजे ही जबाबदारी तुम्हा लोकांची या ठिकाणी आहे। जास्तीत जास्त माझ्या या महिला भगिनींना एक्सपोजर मिळून आपण प्रयत्न करतो आहे की MSRLM देखील मावीच्या मार्ग या ठिकाणी राबवण्यात येईल, म्हणजे मला पण मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या सर्वांसोबत। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जिले की सांसद नवनीत राणा व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दिल्ली स्थित निवास स्थान पर भेंट देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर राणा दंपति ने राज्य में आई अतिवृष्टि व बाढ़ की स्थिति से भी इन वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया। वहीं दूसरी ओर राणा दंपति की अगुवाई वाले युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अमरावती शहर सहित जिले में निवास करने वाले सभी संत महंतों से भेंट करते हुए उन्हें गुरु पूर्णिमा पर्व की शुभकामनाएं दी गई एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस जरिए युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। गुरु पूर्णिमा आणि वर्षावास प्रारंभ असे दोन्ही दिवस एकत्र सुरू होत आहेत। आपल्या संस्कृतीप्रमाणे कुठल्याही माणसाला जर मोठं व्हायचं असेल किंवा जीवनात यशस्वी व्हायचं असेल तर गुरुशिवाय पर्याय नाही, गुरुशिवाय ध्यान नाही।
आणि या माध्यमातून माननीय खासदार सभागृह दोन्ही राणा माननीय आमदार रघू राणा यांच्या संकल्पनेतून युवा स्वाभिमानचे आम्ही सर्व शिलेदार आज गुरुपौर्णिमेनिमित्त अमरावती शहरातील आणि जिल्ह्यातील विविध धर्मगुरूंचे दर्शन घेऊन त्यांचा शाल आणि श्रीफळ देऊन सन्मान करीत आहोत। प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने वाले बुधवारा परिसर स्थित आजाद हिंद मंडल द्वारा इस वर्ष कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए बेहद सादे व सामान्य तरीके से सादगीपूर्ण ढंग से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर और वैद्य की अगुवाई में आजाद हिंद मंडल के पदाधिकारियों द्वारा बुधवारा परिसर स्थित हनुमान मंदिर जाकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई तथा एक दूसरे को गुरु पूर्णिमा पर्व की बधाई दी गई। युवा सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के निर्देश पर पार्टी के सचिव वरुण सरदेसाई युवा सेना को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने के लिए राज्यव्यापी दौरे पर निकले हैं, जिसके तहत शुक्रवार 23 जुलाई को उनका अमरावती आगमन हुआ। अमरावती आगमन होते ही युवा सेना पदाधिकारियों द्वारा उनका जंगी स्वागत किया गया। पश्चात युवा सेना सचिव वरुण सरदेसाई ने सर्किट हाउस पहुंचकर युवा सेना के जिलाध्यक्ष तहसील अध्यक्ष व कॉलेज प्रमुख स्तर के पदाधिकारियों से चर्चा करने के साथ साथ पार्टी पदाधिकारी बनने के इच्छुक युवा सैनिकों से संवाद साधा और पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने की संभावनाओं को टटोला। इस समय उन्होंने कहा कि राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार शिवसेना के पार्टी प्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शानदार काम कर रही है। शिवसेना द्वारा हमेशा ही युवाओं को संगठन व राजनीति में नए अवसर व नई जिम्मेदारी प्रदान किए जाते हैं। ऐसे में अधिक से अधिक युवाओं ने शिवसेना की युवा इकाई युवा सेना के साथ जुड़ना चाहिए और युवा सैनिकों ने अपने शहर व परिसर की जन समस्याओं को हल करने के लिए आगे आकर काम करना चाहिए। जिले में लगातार छठवें दिन कोविड संक्रमण की वजह से कोई मौत नहीं हुई और शुक्रवार को जिले में केवल 6 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही जारी माह के दौरान यवतमाल जिले में लगातार तीसरी बार कोई कोविड संक्रमित मरीज नहीं पाया गया। शुक्रवार को समूचे संभाग में कुल 21 नए संक्रमित मरीज पाए गए और अकोला जिले में हुई 2 मौतों के अलावा संभाग के अन्य 4 जिलों में इस संक्रमण की वजह से किसी की जान नहीं गई। अमरावती जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,445 पर जा पहुंची है। वहीं जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,561 पर स्थिर है। शुक्रवार को जिले के कोविड अस्पताल से 8 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 94,773 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही शुक्रवार को संभाग में पाए गए 21 कोविड संक्रमित मरीजों में अकोला के 7, बुलढाणा के 2, वाशिम के 6 लोगों का समावेश रहा। वहीं संभाग में आज कुल 22 संक्रमित मरीज इलाज के बाद कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 5, बुलढाणा के 4 तथा वाशिम के 4 लोगों का समावेश है। जिले में जारी कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान की रफ्तार पहले की तुलना में काफी हद तक सुस्त दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि विगत 3-4 दिनों तक टीकाकरण का काम ही बंद था। साथ ही गत रोज जिले के केवल 7 टीकाकरण केंद्रों पर कुल 586 लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगवाई, जिसमें से 385 ने पहला और 201 नागरिकों ने दूसरा प्रतिबंधात्मक डोज लगाया। ऐसे में वैक्सीन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या अमरावती जिले में 770,586 पर जा पहुंची है। वहीं संभाग के 5 जिलों में गत रोज 91 टीकाकरण केंद्रों पर 7,294 लोगों ने कोविड वैक्सीन का टीका है, जिनमें 4,331 ने पहला व 2,963 ने दूसरा डोज प्राप्त किया। संभाग के 5 जिलों में अब तक कुल 30,62,531 प्रतिबंधात्मक डोज लगाए जा चुके हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में शुक्रवार 23 जुलाई से ओलंपिक क्रीडा स्पर्धा का आगाज हो गया। इस स्पर्धा में शामिल होकर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को मनपा पदाधिकारियों की ओर से शानदार प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस स्पर्धा के तहत भारतीय धनुर्विद्या संघ में शामिल होकर अमरावती के तीरंदाज प्रवीण जाधव भी देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भवन निर्माण व्यवसायियों की सर्वोच्च संस्था क्रेडाई के महिला समूह द्वारा गत रोज नवनियुक्त जिलाधिकारी पवनीत कौर का शॉल व पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर क्रेडाई महिला समूह द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को क्रेडाई संगठन के कामों की जानकारी भी दी गई, जिसके पश्चात जिलाधीश पवनीत कौर ने जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद दिए जाने का आश्वासन प्रदान किया। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के हाथों चोरी अथवा गुम हो चुके 148 मोबाइल को दोबारा बरामद करते हुए उनके मूल मालिकों को लौटाया गया। इन मोबाइल हैंडसेट्स की कीमत 18,98,384 रुपए आकी गई है। आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर मनपा परिसर में लोगों की भीड़भाड़ बढ़ सकती है और इसमें कोई अनजान व्यक्ति भी शामिल हो सकता है। ऐसे में यदि कोई आतंकवादी मनपा परिसर में किसी को बंदी बना ले तो उसे सुरक्षित कैसे छुड़ाया जाए, इसे लेकर शुक्रवार की सुबह 11 बजे के आसपास मनपा परिसर में शहर पुलिस द्वारा मॉकड्रिल की गई, जिसके तहत कोतवाली पुलिस QRT पथक व BDDS पथक ने यहां पर आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने का प्रात्यक्षिक किया।
महावितरण के नागपुर विभाग प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी ने महावितरण के स्थानीय विद्युत भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अमरावती जिले में महावितरण के बकाया बिजली बिल को लेकर हालात काफी नाजुक हैं और जून माह में वसूली के लिए दिए गए निर्धारित लक्ष्य में से केवल 34% ही वसूली हुई है। इसके अलावा जुलाई माह के पहले 22 दिन में भी 378 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें से केवल 77 करोड़ रुपए ही वसूल हुए हैं। ऐसे में बकाया विद्युत बिलों की 100% वसूली किया जाना बेहद जरूरी है। बडनेरा विभाग के निम्भुरा बस्ती में रहने वाले नागरिकों को पीएम आवास योजना का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी की ओर से जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया। इस निवेदन में बताया गया कि बडनेरा विभाग में विगत 40 वर्षों से रहने वाले नागरिकों को अब तक किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया गया और यहाँ पर कॉन्क्रीट नाली व सड़कें तक बनाई नहीं गई है। अतः इस परिसर में रहने वाले लोगों को पीआर कार्ड दिए जाए ताकि उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिल सके। महावितरण के डफरीन स्थित कार्यकारी अभियंता कार्यालय पर मनपा की ओर से जारी किए गए जब्ती आदेश नागपुर हाईकोर्ट द्वारा स्थगित दी गई है। एलबीटी के महावितरण की ओर बकाया रहने वाले 13 करोड़ रुपयों की वसूली के लिए महानगर पालिका द्वारा डफरीन स्थित महावितरण कार्यकारी अभियंता कार्यालय पर जब्ती नोटिस जारी की गई थी। पश्चात महावितरण के सामने रकम के समायोजन का भी प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन महावितरण द्वारा लगातार इस मामले में टाल मटोल का रवैया अपनाया गया, जिसके बाद मनपा ने बाकायदा जब्ती की कार्रवाई शुरू की। यह देखते हुए महावितरण ने 16 जुलाई को हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखिल करते हुए स्थगनादेश दिए जाने का निवेदन किया था। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा विगत दिनों जारी किए गए प्रमोशन आदेश में राजापेट सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में कार्यरत नायब पुलिस सिपाही नंदकिशोर अम्बुलकर को पुलिस हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन दिया गया है और पुलिस सिपाही अख्तर पठान को पुलिस नायक पद पर प्रोन्नत किया गया है। जिसके पश्चात राजापेट ACP कार्यालय में हुए एक समारोह में इन दोनों पुलिस कर्मचारियों के कंधे पर नए फीत लगाकर उनका सम्मान करते हुए उनका अभिनंदन किया गया। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के गजानन नगर परिसर निवासी महिला ने बुधवार की देर शाम अपने परिसर में स्थित कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय इतवारा बाजार में सुनील कुंडवानी नामक व्यक्ति की चंद्रभान संजय कुमार एंड सन्स नामक दुकान है। 21 जुलाई की दोपहर 4 बजे वे दुकान को ताला लगाकर अपने घर गए थे और जब वापस अपने दुकान पहुंचे तो उन्हें अपने दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ दिखाई दिया। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि अज्ञात चोरों द्वारा तेल के 33 पीपे एवं कुकिंग तेल के 15 किलो का पीपा चोरी किया गया। मामले की शिकायत के पश्चात पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। यवतमाल तहसील अंतर्गत मंगरूल गांव में संजय शिवा उके नामक व्यक्ति द्वारा अपने 3 वर्षीय बेटे सहयोग उके की हत्या कर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। यवतमाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।